नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आर्यन, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल NBA प्रेडिक्शन में। इस चैनल पे आपको NBA की बेस्ट टीम्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंजरी अपडेट, कौन से प्लेयर स्टार्टिंग लाइनअप में खेलने वाले हैं, कौन सी आपकी बाय डिफॉल्ट पे कौन ही होने चाहिए, ये सारी न्यूज़ दी जाएगी। चलिए बात करते हैं आज रात के मैच अटलांटा हॉक्स वर्सेस बॉस्टन सेल्टिक्स की ड्रीम 11 टीम से। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्मॉल लीग की टीम बना रखी है, चलिए देख लेते हैं प्रीव्यू। बात कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट गार्ड में। पॉइंट गार्ड में कल के मैच में आपको कैरी अर्विंग खेलते दिख जाएंगे, ट्रे यंग खेलते दिख जाएंगे। टाई रोजियर कल के मैच में डाउटफुल हैं, कोई भी अपडेट आएगी तो मैं यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दूंगा। और जेलेन एडम्स आपको कल के मैच में खेलते दिख जाएंगे सेकेंड यूनिट में। बात कर लेते हैं बेस्ट रन, बेस्ट रन में यहाँ पे आपको कैरी एरविंग का बहुत ही बड़ा ऑप्शन मिलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छे पॉइंट गार्ड है। इनका परफॉर्मेंस दोस्तों हर मैच में बहुत ही अच्छा जाता है। एज अ स्टार प्लेयर मैं इनको पिक कर रहा हूँ अपनी टीम में, आप भी इन्हीं के साथ जाइए एज अ स्टार प्लेयर। ट्रे यंग भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं कल के मैच के लिए, एज अ पॉइंट गार्ड खेलते हैं एटलांटा हॉक्स की टीम में, आपको स्टार्टिंग करते दिख जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एडम्स भी आपके क्रेडिट मैनेजिंग के लिए अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों, 4 क्रेडिट में बहुत ही अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं कल के मैच के लिए, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ, आपको सेकेंड यूनिट में खेलते दिख जाएंगे। बात कर लेते हैं शूटिंग गार्ड में। शूटिंग गार्ड में कल के मैच में आपको बेजमोर खेलते दिख जाएंगे, मार्कस स्मार्ट आपको स्टार्टिंग करते दिख जाएंगे, बैम्बरे आपको सेकेंड यूनिट में खेलते दिख जाएंगे, जेलन ब्राउन आजकल सेकंड यूनिट में खेल रहे हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, केविन ह्यूएटर आपको स्टार्टिंग करते दिख जाएंगे। मैं यहाँ से दोस्तों ह्यूएटर के साथ जा रहा हूँ, अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं कल के मैच के लिए। ग्रैंड लीग में आप दोस्तों बेजमोर के भी साथ जा सकते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन है, और मार्कस स्मार्ट को भी आप कल के मैच में ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं कल के मैच के लिए। जेलन ब्राउन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन है। मैं यहाँ से दोस्तों ह्यूएटर के साथ जा रहा हूँ। बात कर लेते हैं स्मॉल फॉरवर्ड में। स्मॉल फॉरवर्ड कल के मैच में आपको जैसन टेटम खेलते दिख जाएंगे, वॉलर प्रिंस आपको खेलते दिख जाएंगे, रिटर्न कर चुके हैं दोस्तों ये। गॉर्डन हैवर्ड दोस्तों सेकेंड यूनिट में शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये भी कल के मैच में आपको खेलते दिख जाएंगे। विंस कार्टर भी आपको खेलते दिख जाएंगे, लेकिन कुछ खास ऑप्शन है नहीं, आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई ना ही कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। सैमी ओजले भी दोस्तों आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए ठीक ठाक ऑप्शन होने वाले हैं, आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई ना ही कीजिए, इनका परफॉर्मेंस दोस्तों कुछ मैचेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं यहाँ से दोस्तों वॉलर प्रिंस के साथ जा रहा हूँ, अच्छे ऑप्शन है। जैसन टेटम के भी साथ आप जा सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं कल के मैच के लिए। बात कर लेते हैं पावर फॉरवर्ड। पावर फॉरवर्ड में आपको जॉन कॉलिंस का ऑप्शन मिलता है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। मार्कस मॉरिस खेलते दिख जाएंगे, उमारी स्पेलमैन कल का मैच नहीं खेलेंगे, डैनियल थाइस भी कल का मैच नहीं खेलेंगे, बाकी नीचे में कोई खास ऑप्शन है नहीं, इन दोनों में से कोई को मौका नहीं मिलेगा कल के मैच के लिए, तो इन दोनों को आप अपनी टीम में ट्राई ना ही कीजिए। मैं यहाँ से मार्कस मॉरिस के साथ जा रहा हूँ, इनका पिछला मैच बहुत अच्छा किया था। जॉन कॉलिंस का दोस्तों क्रेड ज़्यादा होने के कारण मैं अपनी टीम में पिक नहीं कर पा रहा हूँ, आप अगर क्रेड मैनेज करना चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। बात कर लेते हैं सेंटर में। सेंटर में आपको दो बढ़िया ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, अल हॉरफोर्ड और ड्वेन डेडमैन, दोस्तों यही हमारे सेंटर के दो बड़े प्लेयर हैं। एलेक्स लेन भी आपको सेकेंड राउंड में खेलते दिख जाएंगे, एरन बैंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं, कम क्रेडिट में ठीक ठाक ऑप्शन होने वाले हैं कल के मैच के लिए। मैं यहाँ से दोस्तों दो बेस्ट ऑप्शन हॉरफोर्ड और डेडमन के साथ जा रहा हूँ, दोनों ही आपको दोस्तों स्टार्टिंग करते दिख जाएंगे, मैं दोनों ही के साथ जा रहा हूँ। बात करते हैं एज अ स्टार प्लेयर, मैं यहाँ से एरविंग के साथ जा रहा हूँ, यही स्टार प्लेयर के सबसे बड़े दावेदार हैं। आपने अगर जॉन कॉलिंस को पिक किया हुआ है तो आप एज अ स्टार प्लेयर उनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। देख लेते हैं अपना प्रीव्यू।
पॉइंट गार्ड कैरी इरविंग, एडम्स ट्रे यंग, शूटिंग गार्ड केविन ह्यूएटर, स्मॉल फॉरवर्ड टोरियन वॉलर प्रिंस, पावर फॉरवर्ड मार्कस मॉरिस, सेंटर एल हॉरफॉर्ड ड्वेन रेडमन। तो ये रही हमारी स्मॉल लीग की टीम। एज अ स्टार प्लेयर मैं यहाँ से एरविंग के साथ जा रहा हूँ, बहुत ही बड़े ऑप्शन होने वाले हैं कल के मैच के लिए। आप इन्हीं के साथ जाइए दोस्तों, कैरी एरविंग बहुत ही बड़े नाम है दोस्तों। एज अ पॉइंट गार्ड इनका परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा रहता है दोस्तों, तो मैं इनके साथ एज अ स्टार प्लेयर जा रहा हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।